नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो नंबर पहलो छे। आज वीडियो नी अंदर हूँ भाग बे नो पांचमू चेप्टर हिसाबी गुणोत्तर अने तेनु विश्लेषण ए चेप्टर आधारित समझूती आपू छू। आ चेप्टर नी अंदर थी बोर्ड में 8 मार्क्स नू पूछाय छे। 8 मार्क्स नी अंदर सेक्शन ए मां 2 एमसीक्यू 2 मार्क्स, सेक्शन बी मां 2 टूका प्रश्न शोर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स, अने सेक्शन डी नी अंदर एक दाखलो 4 मार्क माटेनो पूछाय छे। 2 एमसीक्यू 2 मार्क्स, 2 शोर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स अने एक टूको दाखलो 4 मार्क्स, बधुं मळीने आ चेप्टर 8 मार्कनो छे। सौथी पहेला थोड़ी थियरी समझावी अने पछी आपणे दाखलानी शरूआत करशुं। सौथी पहेला तो व्याख्या, हिसाबी गुणोत्तर कोने कहेवाय? तो के हिसाबी गुणोत्तरनी व्याख्या आपी छे, बे हिसाबी आंकड़ाओ, बे हिसाबी आंकड़ाओ आपणने आपेला होय, ए बे हिसाबी आंकड़ाओ वच्चेनो संबंध, एवो संबंध के जे गाणितिक रीते दर्शावेल होय। बे हिसाबी आंकड़ा वच्चेनो संबंध जे गाणितिक रीते दर्शावेल होय तेने हिसाबी गुणोत्तरो कहे छे। आ एक व्याख्या तैयार करवी। त्यार पछी आगळ हवे हुं तमने व्याख्या पछी बीजो टॉपिक छे हिसाबी गुणोत्तरो, एनो एक एमसीक्यू पूछाय छे के हिसाबी गुणोत्तरोनी रजूआत कई रीते करी शकाय। आपणे जे दाखलो गणशुं एनी अंदर आ बधा टॉपिको आवशे। तो हिसाबी गुणोत्तरोनी रजूआत प्रमाणना स्वरूपे करी शकाय, त्यार पछी टकावारी स्वरूपे, समय प्रमाणे, अपूर्णांक स्वरूपे अने अठवाडिया, दिवसो के महिनाना स्वरूपे। आम हिसाबी गुणोत्तरोनी रजूआत प्रमाणना स्वरूपे, टकावारी स्वरूपे, समयना स्वरूपे, अपूर्णांक स्वरूपे, अठवाडिया, दिवसों के महीनाना स्वरूपे करी शकाय। अमुक दाखला एवा छे के जेनो जवाब प्रमाणमां आवशे, अमुक दाखलानो जवाब टकावारीमां आवशे, अमुक दाखलानो जवाब समय प्रमाणे आवशे, अमुक दाखलानो जवाब अपूर्णांकमां आवशे, तो अमुक दाखलानो जवाब अठवाडिया, दिवसों के महीनाना स्वरूपे आवशे। एटला माटे आपणने कीधुं छे अने एक मार्क्समां पूछाई पण छे के गुणोत्तरोनी रजूआत केटली रीते थई शके। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो आगळ आपणने ए लोकोए आपेलुं छे के गुणोत्तरोनुं वर्गीकरण केटली रीते थई शके। आवो एक प्रश्न पण पूछाई शके के गुणोत्तरोनुं वर्गीकरण कई रीते थई शके? तो गुणोत्तरोनुं वर्गीकरण मुख्यत्वे बे रीते थई शके, एक प्रणालिकागत वर्गीकरण अने बीजुं कार्यानुसार वर्गीकरण। एक प्रणालिकागत छे अने बीजुं कार्यानुसार वर्गीकरण छे। हवे प्रणालिकागत वर्गीकरण जे छे एनी अंदर टोटल 3 प्रकारना गुणोत्तरो आवे। एक व्यापार अने नफा नुकसान खाताना गुणोत्तरो, बीजुं पाकार सर्वेना गुणोत्तरो अने त्रीजुं मिश्र, एटले आ बेना मिश्र गुणोत्तरो। पण आ जे टॉपिक छे एना आधारित चोपड़ीमां दाखलाओ आपेला नथी। बीजुं जे छे एक कार्यानुसार वर्गीकरण छे, आनी अंदर टोटल 4 प्रकारना गुणोत्तरोनो समावेश थाय कार्यानुसार वर्गीकरणमां। एक नफाकारकताना गुणोत्तरो, बीजुं तरलताना गुणोत्तरो, त्रीजुं सद्धरताना गुणोत्तरो अने चोथुं कार्यक्षमताना गुणोत्तरो। एमां जे सद्धरताना गुणोत्तरो छे ए आपणा 30% जे कोष ઓછો થયો એની અંદર સદ્ધરતાના ગુણોત્તરોનો ટોપિક ઓછો થઈ ગયો છે। એટલે હવે આપણે 3 ગુણોત્તરો ભણવાના છે, એક નફાકારકતાના ગુણોત્તરો, બીજો તરલતાના ગુણોત્તરો અને ત્રીજો કાર્યક્ષમતાના ગુણોત્તરો। નફાકારકતાના ગુણોત્તરો એમાં ટોટલ 4 સૂત્ર આવશે, તરલતાના ગુણોત્તરો એમાં 2 સૂત્ર આવશે અને કાર્યક્ષમતાના ગુણોત્તરો એમાં 4 સૂત્ર આવશે, 4+4 = 8 અને બીજા 2। આમ કરીને ટોટલ 10 સૂત્ર આધારિત દાખલા આવશે। બધા મળીને આ ચેપ્ટરમાંથી તમારે 10 સૂત્રો તૈયાર કરવાના છે અને એ 10 સૂત્ર આધારિત દાખલા ગણવાના છે। હવે હું સૌથી પહેલાં તમને નફાકારકતાના ગુણોત્તરો છે એની અંદર 4 સૂત્ર છે તો એ ગુણોત્તર તમને સમજાવું છું। એક એક વિડીયોમાં એક એક ગુણોત્તર તમને સમજાવીશ। તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ નફાકારકતાના ગુણોત્તરો, એનું સૂત્ર અને એના દાખલા।
तो नफाकारकता गुणोत्तरो ध्यान रखो। पहलो स्टेप नफाकारकता गुणोत्तरो, एनी अंदर चार सूत्रों समावेश थाय। एक काचा नफा गुणोत्तर, बीजो कामगिरी गुणोत्तर, त्रीजो कामगिरी नफा गुणोत्तर अने चौथो चोखा नफा गुणोत्तर। बराबर, नफाकारकता गुणोत्तर में टोटल चार गुणोत्तरों समावेश थाय। काचा नफा गुणोत्तर, कामगिरी गुणोत्तर, कामगिरी नफा गुणोत्तर अने चोखा नफा गुणोत्तर। आ वीडियो में हूँ तमने कामगिरी नफा गुणोत्तर, सॉरी काचा नफा गुणोत्तर एनी समझूती आपू छू। पहलो वीडियो छे काचा नफा गुणोत्तर। हवे तमे अहीं ध्यान रखशो के काचा नफा गुणोत्तर एना माटेनुं पहला तो सूत्र आप्युं छे, सूत्र तमारे याद राखो। काचा नफा गुणोत्तर बराबर काचो नफो छेदमां चोखो वेचाण गुणिया सौ, आ एक सूत्र आपेलुं छे। आ सूत्र तमारे पाकुं करवुं। काचा नफा गुणोत्तर बराबर सूत्र छे काचो नफो छेदमां चोखो वेचाण गुणिया सौ। हवे आपणने काचो नफो तैयार आपी दीधो होय दाखलामां अने चोखो वेचाण तैयार आपी दीधो होय तो काई प्रश्न नथी, डायरेक्ट आपणे विगतो लखी देवी। पण क्यारेक काचो नफो नहीं आप्यो होय के चोखो वेचाण नहीं आप्यो होय तो ए शोधवुं पड़े। तो काचो नफो न आप्यो होय तो काचो नफो कई रीते मळशे? तो काचो नफो बराबर वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर। काचा नफा माटेनो सूत्र छे वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर। हवे वेचेल मालनी पड़तर न आपी होय तो वेचेल मालनी पड़तर मेळवा माटेना टोटल त्रण स्टेप छे। याद रखशो काचो नफो बराबर वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर। एमां जो आपणे वेचेल मालनी पड़तर न आपी होय तो वेचेल मालनी पड़तर आपणे त्रण रीते मळे। पहला स्टेप तरीके वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो। वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो। जो आपने दाखला में वेचाण आप्यो होय अने काचो नफो आपेलो होय तो आपणे आ स्टेपनो उपयोग करी अने वेचेल मालनी पड़तर शोधवानी। वेचेल मालनी पड़तर बीजी रीते कई रीते मळे? तो वेचेल मालनी पड़तर बराबर शुरुआतनो स्टॉक प्लस खरीदीना खर्चा माइनस आखर स्टॉक। आपणे आ रीते पण वेचेल मालनी पड़तर मळे। वेचेल मालनी पड़तर बराबर शुरुआतनो स्टॉक प्लस खरीदीना खर्चा माइनस आखर स्टॉक। वेचेल मालनी पड़तर त्रीजी रीते पण आपणे मळे। वेचेल मालनी पड़तर बराबर वपरायेल काचा मालनी पड़तर प्लस मजूरी प्लस कारखानाना खर्चा। वेचेल मालनी पड़तर बराबर वपरायेल काचा मालनी पड़तर प्लस मजूरी प्लस कारखानाना खर्चा। आ रीते पण आपणे वेचेल मालनी पड़तर मळी शके। आम जेवो दाखलो अने जेवी माहिती ए प्रमाणे वेचेल मालनी पड़तर माटे त्रणमांथी आपणे कोई पण स्टेप वापरी शकीए। अने आ वेचेल मालनी पड़तर आ सूत्रमां जरूरी तो छे ज, पण आ सिवाय बीजा घणा सूत्र एवा छे के जेमां वेचेल मालनी पड़तरनी जरूर पड़े। तो वेचेल मालनी पड़तर न आपी होय तो आ त्रण रीते आपणे वेचेल मालनी पड़तर मळी शके। हवे सूत्रमां तमने समजाव्युं हतुं के काचो नफो छेदमां चोखो वेचाण गुणिया सो, जेमां काचो नफो न आप्यो होय तो काचो नफो बराबर वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर, अने वेचेल मालनी पड़तर न आपी होय तो वेचेल मालनी पड़तर आपणने आ रीते त्रणमांथी कोईपण एक रीते मळी शके। हवे चोखो वेचाण एटले वेचाणमांथी वेचाण परत बाद करीए एटले आपणने चोखो वेचाण मळे। चोखो वेचाण बराबर वेचाण माइनस वेचाण परत। हवे आपणने वेचाणनो आप्युं होय तो वेचाणमां टोटल बे प्रकारना वेचाण आवे, एक रोकड वेचाण प्लस उधार वेचाण। वेचाण एटले रोकड वेचाण प्लस उधार वेचाण, अने चोखो वेचाण एटले वेचाणमांथी वेचाण परत
बाद करवानुं एटले तमने चोखू वेचाण मळे। एटले आपणे कोईपण सूत्र में वेचाण जारे लखवानुं होय त्यारे वेचाण मतलब चोखू वेचाण समझी लेवुं। वेचाण एटले चोखू वेचाण एटले के वेचाण परत होय तो बाद करवुं। त्यार पछी आगळ आ सूत्रनी समजूती हजी आपुं छुं। अर्थ कोईपण सूत्रनो अर्थ पूछाय मतलब काचा नफानो गुणोत्तरनी व्याख्या पूछाय तो सूत्र में जे लिख्यो होय ए बे वच्चेनो संबंध एटले के काचो नफो अने चोखा वेचाण वच्चेनो संबंध दर्शावे छे एवुं आपणे कही शकीए। तो काचा नफाना गुणोत्तरनो अर्थ शुं अपाय तो काचा नफानो गुणोत्तर ए काचो नफो अने चोखा वेचाण वच्चेनो संबंध दर्शावे छे। काचा नफानो गुणोत्तर ए काचो नफो अने चोखा वेचाण वच्चेनो संबंध दर्शावे छे। क्यारेक एमसीक्यू के टूंका प्रश्न में पूछाय के काचा नफानो गुणोत्तर ए सेना आधारित गुणोत्तर छे तो काचा नफानो गुणोत्तर ए उपज आधारित गुणोत्तर छे। जे जे गुणोत्तर में नफो शब्द वपराय छे अहींया काचो नफो छे तो काचो नफो छे चोखो नफो छे कामगीरी नफो छे। आम नफो होवाथी एने उपज आधारित गुणोत्तर कहेवामां आवे छे। अने पछी छेलो टॉपिक के आ गुणोत्तरनो हेतु शुं छे तो के काचा नफाना गुणोत्तरना आधारे धंधाकीय एकमनी काची नफाकारकता मापी शकाय के आपणा धंधानी अंदर काचो नफो केटलो छे ए आपणे आ काचा नफाना गुणोत्तरना आधारे मेळवी शकीए छीए। बराबर हेतु अर्थ आ बधी वस्तु एमसीक्यू अने टूंका प्रश्न माटे कामनी छे। तो काचा नफानो गुणोत्तरनो हेतु शुं छे तो के काचा नफाना गुणोत्तरना आधारे धंधाकीय एकमनी काची नफाकारकता मापी शकाय छे। अने त्यार पछी आ गुणोत्तरनुं वलण पण हजी आवशे। एटले दरेक गुणोत्तरमां सौथी पहेला अर्थ आवे त्यार पछी एनो हेतु एनुं वलण। हवे एवुं पूछाय કે કાચા નફાનો ગુણોત્તરનું વલણ શું છે તો આ ગુણોત્તર સેના આધારિત ગુણોત્તર છે તો કે ઉપજ આધારિત છે। ઉપજ આધારિત હોવાથી વધતું વલણ એટલે કે ઉપજ વધારે હોય તો નફાકારકતામાં વધારો અને જો ઘટતું વલણ હોય તો નફાકારકતામાં ઘટાડો। એવું પૂછાય કે કાચા નફાના ગુણોત્તરનું વલણ શું દર્શાવે છે તો આપણે એવું લખવાનું કે કાચા નફાનો ગુણોત્તર એ ઉપજ આધારિત ગુણોત્તર હોવાથી તેનું વધતું વલણ નફાકારકતામાં વધારો અને ઘટતું વલણ નફાકારકતામાં ઘટાડો સૂચવે છે। તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર મેં તમને કાચા નફાના ગુણોત્તર આધારિત સમજૂતી તમને આપી। બરાબર કાચા નફાના ગુણોત્તરનું સૂત્ર સમજાવ્યું અને એ સૂત્ર આધારિત તમને બધી સમજૂતી આપી કે આપણને વેચાણ કઈ રીતે મળે, કાચો નફો કઈ રીતે મળે, વેચેલ માલની પડતર ન આપી હોય તો એ ત્રણ રીતે આપણને મળી શકે, એ ત્રણ કઈ રીતે મળે એવું આપણે યાદ રાખવું। હવે વિડીયો નંબર બીજો જે મારો આવશે એની અંદર હું તમને કાચા નફાના ગુણોત્તર આધારિત દાખલા શીખવાડીશ અને ત્યાર પછી બીજો એક આમ એક સૂત્રનો એક એક વિડીયો આવશે। આ પહેલો વિડીયો હતો એમાં થોડીક બીજી માહિતી પણ તમને આપવાની હતી એટલે આ વિડીયોમાં આટલું સમજાવીશ। હવે બીજો જે વિડીયો આવશે એની અંદર હું તમને આ પહેલું જે સૂત્ર છે એના આધારિત સ્વાધ્યાયના જે કાંઈ દાખલા છે એ દાખલા હું શીખવાડીશ।